दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। सबसे पहले तो नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, मेरे चैनल रेलवे OHC में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा 1650 का बोल्ट, 2050 का बोल्ट, 2065 का बोल्ट, तो इसके आगे पूरी डायमेंशन जो होती है वो होती है 16x50/38 या 37। ऐसे ही हम 20 mm का जो बोल्ट होता है उसमें 20x50x37 mm, तो ये डायमेंशन किस प्रकार होती हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। चलिए वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो लिखा होता है 16x50/38, आज मैं उसी के आपको बारे में बता रहा हूँ वो क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमारा 16 होता है, ये हमारा डाया होता है इसका ये वाला हिस्सा, और जो 50 होता है वो इस एंड से लेके यहाँ तक ये 50 mm हमारी इसकी लेंथ होती है। और जो /38 लिखा होता है वो होता है इसकी थ्रेड कि हमारी 38 mm में जो लेंथ है 38 mm वो हमारी थ्रेड में होंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है जैसे 20 डाया का जो बोल्ट होता है उसमें 20x50/37 लिखा होता है, इसमें भी यही होगा, 20 mm हमारा डाया होगा, 50 हमारी लेंथ रहेगी टोटल, और 37 में हमारी थ्रेड रहेंगी 37 mm में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हर जगह पे शेयर करें। धन्यवाद।